एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपाऊ में स्थित नगला बिहारी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 2 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर है। लगभग 1200 की आबादी व 750 वोटरों द्वारा योगेंद्र सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 205 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 63 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 56 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड व तालाब का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 38 इज्जत घरों व 4 लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, तालाब, इंटर कॉलेज व रात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं योगेंद्र सिंह का प्रधान ग्राम पंचायत को नगला बिहारी विकास खंड सैरपुर जनपद हाथरस। मैंने अपने गांव में अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 4 इंटरलॉकिंग कार्य करा दिए और एक जो है तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ने के लिए और जो गांव के गंदे हुए पानी की जो सबसे बड़ी जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए एक जो है सीवर लाइन जो डलवाई है। पिछले 2016 में 4 लोहिया आवाज को एक बनवा दिए गए हैं और 38 शौचालय मैंने स्वयं अपने कार्यकाल में बनवाए और पूरा गांव ODF करवाया। विकास कार्य होंगे, गांव होते रहेंगे। वैसे केंद्र सरकार से जब एक जो पंचायत घर, एक बरात घर और एक हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय से एक सड़क जाती है, वो मेन सड़क वो टूटी हुई पड़ी है, उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में अगर उसकी मरम्मत हो जाए और अच्छी बात है। ये हमारी मांग है। 20 करीब प्रधानमंत्री आवास की जो मांग चल रही है, 20 सोलर का लाइट और हमारे गांव में आ जाए तो और अच्छी बात है। बस इतनी और मांग है, प्रयास करेंगे हम भी अपनी तरफ से।